यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर बयान आया है। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। आपको बता दें कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल थे। प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत से जिले जनपद ऐसे थे जिनके नाम से लोग डरते थे। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं को चेताया है। माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग फोरलेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, सात सौ से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 264 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाई थी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है।